फोक्स, मेरा नाम आदित्य साहू है, यू आर वॉचिंग छत्तीसगढ़िया राइडर। राइट नाउ हम लोग हैं चंबा में, चंबा वैली में, और हम लोग यहाँ रुके हुए थे और ये हमारा एकोमोडेशन है। हमारे एकोमोडेशन में हमारे एक भाई भी आए हुए हैं जो हमारे किल्लाड़ से हैं, तो किल्लाड़ में भैया प्रॉपरली रहते हैं और हम लोग भी किल्लाड़ ही जा रहे थे और भैया का भी निकलना था किल्लाड़, तो भैया के साथ ही हम लोग अभी राइड कर रहे हैं। और अभी सवेरे के बज रहे हैं 5 और हम लोग 5 बजे भोर पे निकल गए किल्लाड़ के सवार करने के लिए और सच पास करने के लिए। तो आओ भाई से बात करते हैं। भाई अपना नाम क्या है? रोहित चौहान। रोहित चौहान है भाई का नाम। ये किल्लाड़ से हैं बेसिकली और ये अपने काम से यहाँ आए हुए थे और वापस अपने घर को जा रहे हैं किल्लाड़ को, तो भाई भी हमारे साथ ही जा रहे हैं तो हम उनको फॉलो अप करेंगे क्योंकि भाई बहुत अच्छी राइडिंग भी करते हैं और भाई मतलब काफ़ी जगह पे घूम चुके हैं थोड़ा बहुत नियर बाई में। इनका यूट्यूब चैनल तो नहीं है लेकिन बहुत जल्दी चालू करेंगे। तो भाई रोड कैसे हैं यार? रोड तो बहुत मज़ा आएगा आज राइडिंग करके आप लोगों के साथ। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा आज। राहुल भाई गियर अप कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, जल्दी से राइडिंग जैकेट वगैरह पहन लेते हैं और निकलते हैं सच पास के लिए। सो वी आर ऑल सेट टू गो। हम लोग रूम से निकल गए हैं, अभी बज रहे हैं 5:20 और अभी भोर हो रहा है। राहुल भी अभी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, वहाँ पर रोहित भाई भी हैं, रोहित भाई भी तैयार हैं, वो किल्लाड़ के हैं बेसिकली। तो आज की राइड हमारी हो गई चालू। जय श्री गणेश, आय नमः, जय भोले बाबा, जय श्री गुरु। और अपन निकलेंगे अब किल्लाड़ के लिए सच पास होते हुए, देखते हैं आज राइड में कैसा लग रहा है। अपन फिलअप करा रहे हैं, रोहित भाई अपना वादा करके आ रहे हैं। ये है, अरे भाई सामने देखो क्या होता है, कतई जहर मौसम। ये एकदम मॉर्निंग पे ही आपको देखने को मिलेगा। हेलो, पहुंच गया पेट्रोल टंकी। और हम लोग बहुत जल्दी उठ गए अपने समय से पहले, अभी बज रहे हैं 5:20 और बाकी दिन हम लोग उठते हैं करीब 9 बजे के, उठ के 10 बजे तक हम लोग राइड पे निकलते हैं। आज बहुत जल्दी उठ गए, तो आज बेसिकली इसलिए जल्दी उठे हम क्योंकि रोहित भाई का कहना है कि सुबेरे वाटर लेवल कम रहता है और रोड खाली मिलते हैं तो हम लोग गाड़ी दबा कर भाग सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। सो राइट नाउ हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप पे हैं। सो हम लोग निकल चुके हैं और गाड़ियों में जर्क पड़ना चालू हो गया।
बेचारा डॉगी डर गया मेरी गाड़ी की आवाज़ से। अपना पापा थोड़ा एग्रेसिव, ये देखो हल्का हल्का फॉग दिख रहा है, ये देखो अब यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। गजब का है ये दिन, सोचो जरा। आई थिंक हमारे तरफ जब भी कुछ ऐसा दिखता है तो बोलते हैं भाई आज कुल्लू मनाली हो गया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है, आज यहाँ भी कुछ कुल्लू मनाली हो गया। ओ हो लवली, ओ भाई गजब है गजब है। थंबनेल उठाएंगे इसी को, काउस पे लिखेंगे अपना नाम। हम लोग तीसा से और आगे खुशनगरी करके कोई जगह है, यहाँ पर आए हैं। और पीछे का व्यू देखो, ये देख रहे हो पीछे का व्यू, ऑसम व्यू है मेरे पीछे का। और ये मेरे पीछे पेट्रोल पंप आखिरी है, ये तीसा के बाद आपको पड़ता है खुशनगरी में, और इसके बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं है दूर दूर तक। तो आप यहाँ पर चाहें तो अपना जरी कैन भरवा सकते हैं, अदरवाइज पहले चंबा में भरवा लीजिए, और चंबा में भरवाने के बाद आप यहाँ पर आइए टंकियों की फुल करा के। और जैसे कि ये हमने किया हुआ है, ये मैंने जरी कैन भरवा लिया है 10 लीटर का, और अपनी टंकी भी फुल करा ली है ताकि हमको बाद में दिक्कत ना हो। निकलने के बाद कुशनगर पड़ता है, कुशनगर में आपको आखिरी पेट्रोल पंप मिलेगा, आखिरी चंबा के आगे पड़ता है तीसा, आपका करीब 80 किलोमीटर 70-80 किलोमीटर दूर चंबा से आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। आप वहाँ से फिलअप करा सकते हैं और टंकी भी भर सकते हैं, लेकिन आप रिस्क मत लेना, अगर आप चंबा से भरा लो तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, बिकॉज यहाँ पर कभी कभी तेल ख़त्म भी हो जाता है क्योंकि लैंडस्लाइड जोन है, तो थोड़ा सा कभी भी भूस्खलन हो गया तो उसकी वजह से रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो पेट्रोल यहाँ पर पहुँच नहीं पाता जिस वजह से, तो ये दिक्कत होती है यहाँ पर। सारे उस तरीके के जो हम वीडियोस पे देखा करते थे।
गया फाइनली सच पास जो सब करते हैं उसकी रोड। ओ भाई पूरा श्लश 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 श्लश। बगल में मेरे साथ चल रही है खाई। ओ भाई देख लो जबरदस्ती होता ना। अब रोड देख सकते हो कितने बड़े पत्थर है और पानी भी है अब सीन ये हो गया भाई कि रोड बहुत पतले हो गए हैं और पत्थर बहुत ज़्यादा आ रहा है रोड पे। अब मतलब रोड एकदम ही नहीं है ऐसा समझ लो, पानी बहुत ज़्यादा है रोड पे, बीच बीच में वाटर क्रॉसिंग्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से पानी बीच में बहुत भरा हुआ है और पथरीला पूरा रोड है भाई। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है इसको, इसी तरीके से बनाया गया इस रोड को। ये देखो ये मैं बोल रहा ना पानी क्या ही गजब दिख रहा। और ये जो इस बीच में जो पानी आपको दिख रहा है ना, ये पानी बस भाई ये होता है कि इसमें गड्ढे कितने वो नहीं पता चलता है। अगर टायर ज़्यादा गड्ढे में चली गई तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है तो समस्या हो जाता है जिसकी वजह से। ये क्या है, ये तो छत जैसा है भाई, गजब। लेकिन भाई जो भी है सचपास मतलब विंटर में भी करने का मेरा बहुत ही दिलो जान से इच्छा है। मैं एक बार सचपास विंटर में भी करना चाहूँगा सचपास। और एक साइड भाई मतलब पूरी स्ट्रीक खाई है, ये देखो दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं ठीक से, लेकिन क्या करूँ, मेरा नज़र हटेगा ना तो पटाक से एक्सीडेंट हो जाना है, फट से हेडशॉट होगा मेरा। तो
तो जो भी सीन है भाई, बहुत हार्ड सीन चल रहा है। रोड भाई मतलब बहुत ही खत्म है, और एनफील्ड भाई मतलब कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रही है एज कम्पेयर टू KTM गाइस। और ठीक है जो भी है यार, मतलब जैसा भी यही है चला रहे गाड़ी। सामने के नज़ारे देखो यार, मतलब ऑसम कुछ भी, मतलब ऐसा लगता है ना कुछ ना छोड़ू, इसलिए बहुत सारे सीक्वल्स बना रहा हूँ ये वाला पार्ट, और पार्ट 1, 2, 3 करके ऐसा सा डालूंगा। और यहाँ पर भाई मतलब बहुत ही सकरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सकरा लग रहा है, ये बहुत सकरा भाई। भाई एक गलती और गाड़ी उधर सीधा खाई में, मतलब कोई चांस नहीं बचने का, बहुत सोच समझ के गाड़ी चलाना पड़ रहा है यहाँ पर। गजब का नजारा, रोड भी गजब का। भाइयों ये था सचपास का किल्लाड़ किस्तवार वाला, जरूर है ये इसका पार्ट 1 है। फिर पार्ट 2, 3, 4 ऐसा करके सीक्वल में डालूंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, क्योंकि रोड्स भाई गजब लंबे रोड्स थे और बहुत कुछ कवर करने को था वीडियो में, बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे का वीडियो में आपको बाकी अपडेट्स डालता रहूँगा इंस्टा पे, आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और भाई गजब के रोड है, मतलब देखकर मजा आ जाएगा आपको। अंटिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग।